मिशिगन यूनिवर्सिटी, जॉय अजीत, जॉन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सामने बैठे हैं जो, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार अमेरिका में आई हूँ, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना। पहली बार यहाँ पर अपनी बात रख रही हूँ। मेरा एकदम फेवरेट टॉपिक रहा है मेरा, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी पे मुझे बात रखनी है, व्हाई डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट इन मीडिया एंड इज सोशल मीडिया जर्नलिज्म इफेक्टिव एट रेजिंग ग्राउंड लेवल इशू। मैं इसी पर अपनी बात रखूंगी, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि मेरा नाम मीना कोटवाल है और मैं अपना एक मीडिया वेंचर चलाती हूं द मूक नायक के नाम से, तो उसके कुछ टुकड़े भी आपको इस चर्चा में सुनने को मिलेंगे। शुक्रिया। आपको पता है कि इंडियन मीडिया ग्लोबल रैंकिंग में किस नंबर पर है? मतलब अगर 180 कंट्रीज में हम लोग बात करें, 180 कंट्रीज में 150th रैंक पर है वो, और इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसकी जो वजह है वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि किस तरह से डाइवर्सिटी जो है इंडियन मीडिया में आज तक देखी नहीं गई है। आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है इंडियन मीडिया भी डाइवर्सिटी से बहुत दूर है, कोसों दूर है। और क्योंकि मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं है, तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे रिसर्च कह रहा है, तो प्लीज मेरी बातों पे भी ना जाइएगा, रिसर्च पर ध्यान लगाइएगा। तो अगर मैं रिसर्च की बात करूँ तो 2006 में अनिल चमड़िया है, वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक रिसर्च किया था और उन्होंने उस समय रिसर्च में शामिल किया था डिजिटल मीडिया को, उस समय उन्होंने शामिल किया था रेडियो को, उन्होंने शामिल किया था टीवी को, प्रिंट को, सभी को शामिल किया था। और जब उन्होंने शामिल किया तो उसमें उन्होंने देखा कि किस तरह के जर्नलिस्ट हैं जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपकी कोई कास्ट नहीं होती, आपका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी इंडियन मीडिया में इस ये जो कास्ट है बहुत मैटर करता है। तो जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि कोई भी सीनियर पोजीशन पे, कोई भी एडिटर पोस्ट पर आज तक कोई दलित आदिवासी एडिटर रहा ही नहीं है, चाहे वो डिजिटल हो, प्रिंट हो, रेडियो हो, टीवी हो, कहीं पर भी नहीं रहा। तो इसकी वजह लोगों को समझ ही नहीं आया, फिर क्या वजह है, कौन सा ऐसा फिल्टर है कि अभी तक वहां पर लोग पहुंच ही नहीं पाए, जबकि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या इतना बड़ा, उनका जनसंख्या का इतना है, इतने सारे लोग हैं, फिर भी क्यों नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन हुआ ये क्योंकि एडिटर पोस्ट पे कोई नहीं है तो हायरिंग ही नहीं होती है, और हायरिंग जब होती है तो क्योंकि जो वहां पे इंस्टीट्यूट है रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन की वजह से इंस्टीट्यूट में मीडिया में बहुत सारे लोग पढ़ते तो हैं रिजर्वेशन की वजह से, लेकिन फिर भी वो मीडिया में नहीं पहुंच पाते, हायर पोजिशन पे नहीं पहुंच पाते, छोटी मोटी नौकरी करते हैं। कई लोग अगर अपने मन की बात बोलते हैं तो उनको एडिटर्स मना कर देते हैं लिखने और बोलने से, अपने मन का काम नहीं कर पाते हैं, और जो करते हैं उनको या तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, फिर उनको दोबारा वापसी नहीं मिलती, तो फिर या तो फिर वो सरकारी नौकरियों में पहुंच जाते हैं या फिर कोई और काम करने लगते हैं, लेकिन फिर वो मीडिया में उनको जगह नहीं मिल पाती। और इसी तरह का एक रिसर्च जो है 2019 में भी हुआ, फिर वो ऑक्सफैम ने किया, क्योंकि ऑक्सफैम का जो रिसर्च है वो पूरी दुनिया पढ़ती है, और ऑक्सफैम ने मतलब बहुत सारी उनको जो है तारीफ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का रिसर्च जो ऑक्सफैम ने कराया, अब पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि किस तरह से इंडिया में, इंडियन मीडिया में कास्ट मैटर करता है। और ऑक्सफैम का जो रिसर्च था बिल्कुल सेम था, वो भी वही दलित आदिवासी एडिटर नहीं थे किसी भी मीडिया में, किसी भी प्रिंट में, टीवी में, डिजिटल में या रेडियो में, कहीं पर भी नहीं थे। जब पाया गया तो छोटी मोटी पोस्ट पे उनको भी एक दो लोग मिले, लेकिन डिसीजन मेकिंग में कोई नहीं था। और ऑक्सफैम की अगर रिपोर्ट आप देखेंगे तो चाहे एंकर्स आप देख लीजिए, एंकर्स आपको टीवी पर कौन दिखाई देते हैं, चाहे आप रिसर्च, इवन जो आर्टिकल्स लिखते हैं दलित आदिवासियों के मुद्दों पे, वो भी अपरकास्ट लिखते हैं, यानी उन्हीं को सारा महान जो है आप कह सकते हैं सारा ज्ञान जो है महारत उन्हीं को हासिल है, तो वही सारे लोग लिखते भी नहीं जिनके खुद के मुद्दे हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है। और इतनी और इसके साथ मैं एक और चीज जोड़ती हूँ, क्योंकि हम लोग अमेरिका में बैठे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा जो अगर हम लोग
डाइवर्सिटी और की बात करें तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। और एक एक रिपोर्ट आई थी 2022 में आई थी, और इसका नाम था डिजिटल न्यूज रिपोर्ट। इसमें मैं शामिल हुई थी, न्यूज लॉन्ड्री के साथ था और एक पैनल डिस्कशन था जिसमें मैं शामिल हुई थी। तो इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 96% जो यूके में है वो आज भी जो है वाइट जर्नलिस्ट को देखना पसंद करते हैं। जो 96% जो वहाँ की आबादी है, जो पॉपुलेशन है वहाँ के लोग वाइट जर्नलिस्ट को देखना पसंद करते हैं। और वैसा ही थोड़ा सा मिलता जुलता ही डेटा है उसका, 84% जो है यूएस में वाइट पीपल को देखना पसंद करते हैं, जर्नलिस्ट को देखना पसंद करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को देखना पसंद करते हैं। तो जब मैंने इस पर अपनी बात रखी तो मैंने बताया कि हम इंडिया से थोड़ी सी चीजें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, कम से कम वहां पे चॉइस है देखने की कि किसको देखना। ना, इंडियन मीडिया में तो 100% ही एक अपर कास्ट के पास है, तो वहां तो चॉइस ही नहीं है। जब वो है ही नहीं तो देखेंगे किसको, आपके पास चॉइस ही नहीं क्योंकि सबके पास क्या है, वही सारी चीजें लोग दिखाते हैं। और इसी तरह जो है, क्योंकि रेसिज्म है यहाँ पर तो किस तरह से मैटर करता है रेसिज्म, हम लोगों के पास बहुत सारे जो एग्जाम्पल है उस तरह से। तो इंडिया में तो कास्ट कितना मैटर करता है, रेसिज्म जो है आपका, एक जर्नलिस्ट है, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, मेरे दिमाग में है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा, उनका कहना है कि अगर आप स्किन को रेसिज्म मानते हैं तो जो आपकी हड्डी है, जो बोन है, वो कास्टिज्म है। यानी वो आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, वो है आपके पास, वो है आपके यहाँ पर आसपास, वो है। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कास्ट को जो है, कास्टिज्म को लोग, कई सारे लोग मानते भी नहीं कि अच्छा कास्टिज्म है ही। और इस समय मीडिया का स्तर इसलिए बहुत ज्यादा जो है गिरता जा रहा है, और इसकी वजह आप लोग समझ सकते हैं कि एक ही तरह के लोग काम कर रहे हैं, एक ही तरह के लोग लिख रहे हैं, एक ही तरह के लोग बोल रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर मैं बात करूं तो सब जगह वहां पे एक ही तरह के लोग हैं। तो ये तो मान के चलिए जो मीडिया का जैसे नहीं गिर रहा है, यानी वो उस वजह से नहीं गिर रहा है जो लोग मेरिट 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 करते हैं, ये उन्हीं मेरिट की वजह से गिर रहा है जो वहां पर काबिल, जो वहां पर काबिज है, वहां पर है, उन लोगों की वजह से नहीं गिर रहा है जो दलित आदिवासियों को हमेशा आरक्षण की वजह से गालियां देते हैं, उनको हमेशा जो है अपने साथ बिठाते नहीं है, अपने साथ रखते नहीं है, एंट्री तक बैन रख रखी है। तो उनकी वजह से तो नहीं गिर रहा है जो ये मीडिया का हमेशा गिरता जा रहा है। और 2022 में भी एक और रिपोर्ट आई, ऑक्सफेम की ही रिपोर्ट है, और ऑक्सफेम की अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी, इसमें थोड़ी सी खुशी वाली बात है। एक बहुत नया नया वेंचर है, 2 साल भी नहीं हुआ उसको, और बच्चा ही है क्योंकि इतना पुराना मीडिया है, इतने सारे मीडिया हैं और इतने सारे जर्नलिस्ट जो हैं इतने सारे सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो इतिहास नहीं रच पाए जो 2 साल का एक छोटा सा बच्चा आप कह सकते हैं, उसके आगे उसने वो इतिहास जो है रच दिया कि 2022 में जब वही सेम रिसर्च हुआ कि कितने मीडिया में कौन कौन से जर्नलिस्ट है, कौन सा कास्ट है, किस तरह के लोग हैं, तो वहां पर जो रिपोर्ट आई वहां पर देखा गया कि एक छोटा सा जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड जो है निकला, और उसका नाम था द मूक नायक। और मूक नायक को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 2 साल ही हुए हैं, और 2 साल में हमने वो करके दिखाया जो अब तक इतने सालों से जो मीडिया चल रहा है, इंडियन मीडिया काम कर रहा है, वो नहीं करके दिखाया। क्योंकि वहां पर उन्होंने एक ही तरह के लोगों को भर्ती किया हुआ है, एक ही तरह के लोगों को रखा हुआ है। और जब हम लोगों ने टीम रखने की शुरुआत की तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि जिसपे मैं बात रखती हूँ, जिसपे मैं बोलती हूँ, कम से कम मैं तो अपने आप वो वहां पर अप्लाई करूँ। तो हमारी टीम में सभी तरह के लोग हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, पसमांदा हो, LGBTQ से हो, चाहे इवन अपर कास्ट भी क्यों ना हो, क्योंकि जिसके जितनी संख्या है हम सोचते हैं उसकी उतनी भागीदारी भी हमारे साथ होनी चाहिए। हम लोग उनका भी समझ लेंगे, वो कितना काम करते हैं, किस मामले पर, किस मुद्दे पर कितना समझते हैं वो लोग, तो उनको भी हम लोगों ने शामिल किया। और हम लोगों के बहुत बड़े प्लान नहीं होते, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं बदलनी होती, हमें छोटे छोटे मुद्दे जो है हम लोग कोशिश करते हैं वो लोग हम लोग उठाएं, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ही बहुत सारे जो मुद्दे हैं, बहुत सारी स्टोरीज हम लोग सामने ला पाए हैं, शायद वो अभी तक जो मीडिया था वो नहीं ले पाया, लेकर आ पाया। हमारी कोशिश रहती है कि किसी की FIR लिख ली जाए, क्योंकि अगर NCERB का डेटा अगर आप देखते हैं, जो
इंडियन गवर्नमेंट का पूरा डेटा रहता है कि किस तरह से जो है एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है दलितों आदिवासियों के मुद्दों पे, एससी एसटी एक्ट के मुद्दों पे एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है, लेकिन मूक नायक जब इन स्टोरीज को करता है तो कम से कम वो एफआईआर लिख ली जाती है, किसी को पीने का पानी मिल जाता है, किसी को बिजली मिल जाती है। सोशल मीडिया की मैं अगर पावर बताऊं तो प्रभा देवी है एक बिहार में, जब मैं स्टोरी कवर करने गई थी तो इलेक्शन के टाइम की बात थी, वो प्रभा देवी 9 बच्चों की माँ थी और उसका जो घर था बिहार के ऐसे बॉर्डर बॉर्डर पे था कि वो नेपाल और पूरा इंडिया का बॉर्डर पे वो रहती थी, उसके पास कोई सिटीजनशिप नहीं थी, ना ही उसको किसी को पता था कि वो इंडियन है कि ना वो नेपाली है, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, ना आधार कार्ड था, ना ही उसके पास वोटर आई कार्ड था, ना ही कोई कार्ड नहीं था, ना उसका बैंक अकाउंट था, कुछ भी नहीं था उसका। भीख मांगती थी, उसके 9 के 9 बच्चे भीख मांगते थे, और जब स्कूल में एडमिशन करवाने जाती थी बच्चों का तो बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता था, क्योंकि वहां पे भी वही सारे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, आधार कार्ड और बहुत सारी चीजें वहां पे मांगी जाती है, क्योंकि उनके पास नहीं है तो वो लोग भीख मांगते थे। मैं गई वहां पर, रिपोर्ट हुई, 2 दिन के अंदर पूरा मोतिहारी का जो प्रशासन था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके घर के बाहर खड़ा हुआ था और उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए तैयार हो गया, उसको राशन भी दिया गया, उसको एक स्कूल में खाना बनाने की नौकरी तक दी गई। तो इस तरह के छोटे छोटे मुद्दे हम लोग उठाते हैं। और बिहार इलेक्शन का एक और मैं एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि डोम कम्युनिटी, पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं जानते, क्योंकि कास्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। डोम वो कास्ट है जो आज भी गांवों से बाहर रखा जाता है, बिहार में उस डोम जाति को घरों में नहीं घुसाया जाता, बाहर रखा जाता है, अनटचेबल होते हैं वो लोग, उनको छुआ नहीं जाता है, उनके हाथ का कोई खाना नहीं खाता है, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके बच्चों को भी अलग से खाना दिया जाता है, अलग बर्तनों में खाना दिया जाता है, इवन वो घर से भी कई बार घर पे से भी बर्तन लेकर जाते हैं। जब मेरी रिपोर्ट हुई थी तो उसमें कई पेरेंट्स ने कहा कि हम जो है अपने बच्चों को घर से बर्तन लेकर भेजते हैं, क्योंकि वहां के बर्तनों में वो लोग खाना भी नहीं देते हैं, और जब खाना देते हैं तो सबसे आखिरी में देते हैं, उसमें भी पानी मिलाकर देते हैं जो बच जाता है, इस तरह से करते हैं, अलग से बिठाया जाता है उनको और बात बात पर उनको सुनाया भी जाता है, अगर टीचर भी कभी सुना रहे हैं, बच्चे भी लड़ रहे हैं तो कोई एक्शन नहीं होता है उनपे, बच्चे दोबारा स्कूल जाने का सोचते भी नहीं है, डर होता था, क्योंकि छोटे बच्चों को आप समझ सकते हैं कि अगर एक बार भी डांट दो, कोई हम लोग भी अगर एक बार डांट देते तो दोबारा बच्चा हमारे पास नहीं आता, स्कूल में आप कैसे उनको भेजेंगे, तो वो पढ़ाई से वैसे ही बच्चा जो है उसको लगता है पता नहीं किस तरह का बोझ मुझे मेरे ऊपर डाला जा रहा है, पढ़ाई से वैसे ही भागता है बच्चा, और ऊपर से अगर आप स्कूल में इस तरह का जो माहौल देते हैं उसमें भी वो उस बच्चे को दोबारा जा ही नहीं पाता है, तो वो आगे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है, क्योंकि वो अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आगे चल के उसके बच्चे भी शायद पढ़ नहीं पाएंगे या इस तरह का वो, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगा, तो इस तरह के हालात हैं। और आप विश्वास मानिए, आज किसी ने काम नहीं किया था मेरे करने के बाद, बहुत सारे जो है काम किया, उसमें बीबीसी भी शामिल था और बहुत सारे इंडियन मीडिया बहुत सारे शामिल हुए थे, कि उन्हों को डोम पर काम करना पड़ा, उनको सच्चाई जो है दिखानी पड़े कि कैसे डोम जाति जीती है वहां पे। मैं सोशल मीडिया की वजह से, जिस तरह से सोशल मीडिया इफेक्टिव है हमारे लिए, तो सोशल मीडिया ही है, और ये रिपोर्ट मैंने सोशल मीडिया पर डाली ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। प्रभा देवी की तरह बहुत सारे लोग, बलिया में एक गांव था जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंची, 75 ईयर हो गए हमारी इंडिपेंडेंट को, पर फिर भी वहां पे बिजली नहीं पहुंची थी। मूक नायक ने स्टोरी करी और 3 महीने के वहां जो नोटिस मिल गया था वहां पर गांव में कि अब 3 महीने के अंदर वहां पर बिजली पहुंचेगी। इसी तरह यूपी में बस्ती के जिले में एक स्कूल में दूध नहीं दिया जाता था, दूध में बहुत सारा पानी मिलाया जाता था, तो वहां पर रिपोर्ट करने के बाद दूध अच्छे से मिलने लगा। एमपी में इस तरह से 40 करोड़ का बजट था दलित आदिवासियों के लिए, मूक नायक पर स्टोरी हुई तो वो जो है 38 करोड़ का बजट हम लोगों ने पास करवा के दिखाया। इस तरह की हम लोग रिपोर्ट करते हैं, हमारी टीम में बहुत इस तरह के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास तो इस तरह हम जर्नलिस्ट जो है हायर करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग पोस्ट निकालते हैं कि उसमें हम लोग दलित आदिवासियों को प्रेफरेंस देंगे, दलित आदिवासी को रखेंगे, लेकिन विश्वास, क्योंकि आज की डेट में जो है सरनेम से आप पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सी कास्ट है, क्योंकि बहुत सारे जो सरनेम है कॉमन है, अपर कास्ट दलित आदिवासी सभी तरह के लोग लगाते हैं, आप उससे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप लिख देते हैं कि अच्छा मैं जो हूँ दलित हूँ और मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, वो सीवी साइड रख ली, एक को भी नहीं रखा जाता, खुद मैं भी इसकी भोगी हूँ, मैंने भी बहुत सारी जगह रखा लेकिन कहीं नहीं रखा जाता, और लेकिन वो जब एडवर्टीजमेंट निकालते हैं तो दलित आदिवासी को रखेंगे, ये फिल्टर है साइड करने का, इसी तरह से जो है फिल्टर वो लोग लगा के रखते हैं।
और मैंने अपनी टीम में जो लोगों को रखा रखा है कि मेरिट नहीं होता, मेरिट नहीं होता, हम लोगों ने मेरिट उनके अंदर डाल दिया, होता नहीं है मेरिट। मेरिट जो है इंडिया में कास्ट पर डिपेंड करता है कि किस तरह से कास्ट आपके सरनेम से डिपेंड करता है। सवर्णा है, अगर आप अपर कास्ट है तो आपके अंदर मेरिट ही मेरिट है, दलित आदिवासी है तो आप जो है इग्नोर कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे और आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इस तरह से मेरिट करता है। नाजिर हुसैन है हमारे यहाँ पे, पसमांदा मुस्लिम है और सब्जी बेचता है, पैशन था उसके अंदर, हम लोगों ने पैशन देखा, हमने कहा तुम स्टोरी करके एक दो भेजो, इतनी अच्छी स्टोरी उसने की, आज उसकी कवरेज इंटरनेशनल मीडिया तक करता है कि कैसे सब्जी बेचने वाला जो है एक जर्नलिस्ट बन गया है और जो है उसने कई सारी स्टोरीज कर दी हैं। सोनिया मकवाना वाल्मीकि कम जो है, अगर आप देखें बहुत जो है, अगर कास्ट सिस्टम पर आप विश्वास करते हैं तो वहां पे बहुत निम्न स्तर की कास्ट पे आता है वो, उनको लोगों को जगह नहीं दी जाती, वाल्मीकि कम्युनिटी को कोई रखना नहीं चाहता, साथ में बिठाना नहीं चाहता। तो उसमें सोनिया मकवाना है, जर्नलिज्म की पढ़ाई उसने नहीं की, हम लोगों ने उसको सिखाया और आज जो है वो उसने कई सारी स्टोरी कर दी, अभी 2-3 महीने ही हुए उसको, डेली 1 से 2 स्टोरीज की आती है। और ऐसे लोगों के लिए हम ऐसा बड़ी बड़ी स्टोरी करो, रिसर्च भी स्टोरी करो, छोटी छोटी, जैसे हम लोग करते भी नहीं थे मौसम वाली स्टोरी, हम लोग नहीं करते थे, लेकिन हमने उसकी वजह से स्टोरी करनी शुरू की क्योंकि हम चाहते थे उसको लिखना है, उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आए, इस तरह की स्टोरी हम लोगों ने जो है शुरुआत की। हाल ही में मूक नायक पर पूरा प्रोफाइल हुआ है, अगर आप देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी यही कोई 15 दिन पहले बहुत सारे प्रोफाइल कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी नहीं होती जिस तरह, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से, खालिज टाइम्स है यूएई का जो पुराना है, अरब न्यूज है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, और फ्रेंच का भी ये पिछले हफ्ते ही हुआ है, लफिगारो है, जॉर्डन न्यूज है, बहुत सारे नेपाली न्यूज है, इन सब लोगों ने मूक नायक पर जो है एक प्रोफाइल किया है, लेकिन इसमें मुझे खुशी कुछ नहीं हुई क्योंकि खुशी तब होती अगर इससे पहले काम हो, और ये काम अभी पहली बार हो रहा है, सालों हो गए आजादी को, सालों से इतने पुराने पुराने जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे अवार्ड लेकर आ रहे हैं हमारे मुद्दे पे, दलित आदिवासियों के मुद्दों पे लिखते हैं, बोलते हैं, और शोषण भी वही करते हैं क्योंकि वो अपने मीडिया हाउस में उनको घुसने नहीं देते हैं, स्टोरी भी वही करेंगे, अवार्ड भी वही करेंगे, वाहवाही भी वही करेंगे, शोषण भी वही करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। और हमें अच्छा लगता है जब छोटे छोटे से मैसेजेस आते हैं हम लोगों के काम करने के बाद कि थैंक यू द मूक नायक, आप हैं तो हम हैं, क्योंकि आपने जो स्टोरी उठाई है वो कोई और नहीं उठा रहा था, हम लोगों ने अपना माइक खड़ा कर दिया क्योंकि सामने वाले ने हमें माइक नहीं दिया था। आज जो गांव देहातों में जो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं दलित आदिवासी, उन तक उनके मुद्दे नहीं उठाए जा रहे थे, तो उन तक माइक नहीं पहुंचा, आज हमने अपना माइक खड़ा कर दिया, हमारा खुद का माइक है, आज हमें किसी और की माइक जरूर की जरूरत नहीं है। थैंक यू।